मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ग्रीन एनर्जी पर फोकस बनाए हुए है। प्रदेश को साफ सुथरी एनर्जी के जरिए रोशन करने की तैयारी की जा रही है ताकि ऊर्जा के अन्य स्रोतों पर से भार को कम किया जाए और प्रदेश को अधिक सरप्लस बिजली वाले प्रदेशों की सूची में शामिल किया जाए। इस काम में ऊर्जा विकास निगम भी अपनी भूमिका निभा रहा है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विकास निगम के अध्यक्ष गिरिराज दंडोतिया ने बताया कि मिशन लाइफ के तहत पीएम मोदी द्वारा जीवन शैली को प्रकृति से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग ऊर्जा पार्क बनाने की तैयारी है। इसके जरिए 600 मेगावाट ऊर्जा पैदा की जा सकेगी। नकारात्मक जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए एवं पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमारे सौर ऊर्जा विकास निगम द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रीन एनर्जी जो 5,000 मेगावाट हमारा तैयार हो चुका है और प्रोसेस में है और 5,000 मेगावाट के लिए कार्य प्रारंभ है। हम जल्दी से जल्दी उसको भी तैयार करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने मिशन लाइफ के तहत पूरे देश को जगाने का काम किया है, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो या लोगों की जीवन शैली से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे प्लास्टिक को ना कहने की बात हो और चाहे पेड़ और जल तालाब और नदियों को पूजने की बात हो। हम 5,400 मेगावाट हम मुरैना में सौर ऊर्जा पार्क 1400 से भी ज़्यादा बनाने का काम हमारा प्रोसेस में है। कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है और जल्दी ही उसका वहाँ पर भूमि पूजन होने जा रहा है। इसी तरह सांची को सोलर सिटी बनाने की तैयारी है, जिसका काम पूरा हो चुका है। इस काम का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। इसी तरह से मुरैना की अंबाह तहसील में भी सोलर विलेज बनाया जाएगा और सांची का जल्दी ही शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जल्दी ही उसकी डेट आएगी और वर्चुअल या वैसे जैसे भी टाइम मिल जाएगा जल्दी सांची का होने जा रहा है। और मैं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिगौनिया के लिए मैंने प्रस्ताव तैयार कर दिया है। सिगौनिया एक गांव है जो मेरे मुरैना जिले की अंबा तहसील में। सिगौनिया प्राचीन नगरी है, 11वीं सदी का ककनमन मंदिर है शंकर जी का और वहां पर हमारी अंबिका माँ का मंदिर है। इसकी पूजा बाणासुर करते थे और वहां पर जैन तीर्थ है, जैन मंदिर है, बावड़ी भी है, वहाँ पर सुरंगें भी हैं जो महाराज सिंधिया जी के महल तक जाती है। एक सुरंग हमारी डैम तक जाती है और एक सुरंग हमारी ककनमठ तक जाती है। बीजेपी सरकार की कवायदों के जरिए छतरपुर नीमच समेत कई अन्य जिलों में भी ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इससे माना जा रहा है कि आगामी वक्त में प्रदेश को बिजली की कमी से नहीं जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एम्प न्यूज, भोपाल।